ख़वातीन तकबीरात कहें या ना कहें, ख़वातीन भी तकबीरात कहना चाहिए। उम्मे अतिया फरमाती हैं, कुन्ना नुमरु अन्नखरुज यौमल ईद, हमको हुक्म दिया जाता था कि हम ईद के दिन बाहर निकलें, यानी ईदगाह के लिए बाहर निकलें। हत्ता नुखरिज अल-बिकर मिन खिदरिहा, यहाँ तक कि कुंवारी बच्चियों को अपने अपने पर्दों में से बाहर निकालें, यानी अपने घरों में छुपी रहती हैं कुंवारी बच्चियाँ, यहाँ वहाँ बाहर जाती नहीं बिल्कुल, तो घरों ही में रहती। देखिए उस ज़माने में मुसलमानों का ये तरीक था। आज माँ बेचारी घर में बूढ़ी बैठी रहती है, कुंवारी बच्ची बाइक पे पूरा गांव घूम के आती है। हाँ, तो उस ज़माने में कुंवारी बच्चियों की जगह कहाँ थी, घर में पर्दे के साथ शराफत के साथ वो रहती थी। हाँ, अगर कोई ज़रूरत है तो बच्चियाँ भी बाहर ज़रूरत के तौर पर जा सकती हैं, लेकिन ये नहीं कि बेपर्दगी के साथ जाएँ। और बाद अवकात तो पीछे किसी को बिठा के, कौन है ये, फ्रेंड है मेरा, फ्रेंड है, फ्रेंड के साथ बैठ के पूरे गांव में घूम रही है, ये इस्लाम में नहीं है चीज़, ये शराफत में भी नहीं है, ये अच्छी बात नहीं है। हत्ता नुखरिज अल-बिकर मिन खिदरिहा, हत्ता नुखरिज अल-हुयदा फयकुन खल्फ अन्नास, यहाँ तक कि हमारी वो ख्वातीन जो हैज से हैं उनको भी ले आएँ, हमको हुक्म दिया जाता था। फिर फयकुन खल्फ अन्नास, तो ये औरतें कहाँ होती, लोगों के पीछे होती हैं, लोगों के पीछे होती हैं। फयुकब्बिरना बितकबीरिहिम, तो लोगों की तकबीर के साथ ये भी तकबीर कहती हैं। वो यदऊना बिदुआइहिम, और उनकी दुआ के साथ ये भी दुआ करती हैं। यरजूना बरकत ज़ालिकल यौम वतुहरतहु, और इस दिन की बरकत और इस दिन की पाकिजगी की उम्मीद में इनके साथ दुआ करना, इनके साथ तकबीरात करना, इसमें वो शामिल हो जाती थी। इसको इमाम अल-बुखारी और मुस्लिम दोनों ने रिवायत किया है। इससे मालूम हुआ कि ख़वातीन भी फयुकब्बिरना बितकबीरिहिम, कि लोगों की तकबीर के साथ ये औरतें भी तकबीर कहें, तो इन सब के लिए तकबीर था। मालूम हुआ कि कोई औरत अगर हैज से है वो भी तकबीर कहेगी। मालूम हुआ कि हैज की हालत में अल्लाह का जिक्र करना मना नहीं है। देखिए हदीस है, इस तरह से सादे सादे मसले निकलते, कोई मुश्किल है नहीं है। और औरतें कहाँ रहेंगी, खल्फ अन्नास, लोगों के पीछे रहेंगी, वो अलग रहेंगी। फलिया तजिल मुसल्ला, जैसे कहा कि मुसल्ला से अलग रहें।